अ स्पेशल इवनिंग गाइस। कल हम लोग सेल के बारे में डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। वो फर्स्ट पार्ट था सेल का और आज जो है वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे सेल से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सेल टॉपिक से लेकर आए हैं, उससे डिस्कस करते हैं। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में उस क्वेश्चन का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, और उस हिसाब से मैं दूसरा वीडियो बनाकर और भी सेल के क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो 2 दिन के लेक्चर में मैं चाहती हूँ कि सेल टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, यानी क्या, किस चीज़ की बात कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहा है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसका वर्क कोई बता दो कि इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? एनीवन, जिसको भी आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो चलो, अब आई होप जिसको आता होगा वो लिख दिए होंगे। अब मैं बताती हूँ इनका काम क्या है। ये सेपरेट करते हैं बच्चों, अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं किसको? आंतरिक कोशिका को। किसको? आंतरिक कोशिका को बाहरी वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, यही काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ये बना किस चीज़ से होता है? तो बच्चों, इसका काम तो मैं बता दी हूँ, तो बता देती हूँ कि ये बना किस चीज़ से होता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो गाइस, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन से ही बनी होती है और लिपिड से ही बनी होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन से ही बनी होती है और लिपिड से ही बनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जो मैं एक्स्ट्रा कुछ बताती हूँ, जैसे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, उसका वर्क क्या होता है, ये 3 चीज़ मैंने बताया, इसको भी आपको याद रखना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछे जाए कि प्लाज्मा झिल्ली बनी किससे होती है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है। तो मैं एक्स्ट्रा कुछ बताई हूँ तो उसको याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चन में आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो उस समय आपको रिकॉल होगा और आपके लिए क्वेश्चन वो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, आप लोग पढ़ो और जल्दी से इसका कमेंट में आंसर करो। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में बनती है? तो आपका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? यकृत, या फिर दीर्घ अस्थित, सी क्या है? अग्नाशय, एंड फोर्थ क्या है? तिल्ली। तो आप सभी को पता हो कि लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? तिल्ली में, यानी स्प्लीन में। कहाँ बनती है बच्चों? स्प्लीन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिल्ली, सॉरी ये रिक्टेंगुलर वाला नहीं लिया। तो कहाँ बनती है बच्चों? तिल्ली में बनती है लसिका कोशिकाएँ। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर मैं फर्स्ट डे सेल के फर्स्ट क्लास में मैं बताई थी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो। श्वान, अरस्तु, रॉबर्ट हुक और स्लाइडेन। तो इस द राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। कब की थी ये भी बताया था मैंने, फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1665 में, ताकि बार बार रिपीट करने से याद रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? तारक काय की खोज किसने की थी? यानी स्टार, सॉरी ये स्टार नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? सेंट्रोसोम। क्या होगा? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, उसका नाम बताना, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो फर्स्ट नेम क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? जॉर्ज गॉल्गी। सेकेंड क्या है? बोवरी। थर्ड क्या है? इवानोवकी। एंड फोर्थ क्या है? वॉटसन। जल्दी से इसका आंसर कर, जिसको इसको पता है कि सेंट्रोसोम का डिस्कवरी किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था और कब किया था, ये भी कमेंट में लिखोगे कि कब किया था अगर पता है तो। तो ये बोवरी ने किया था। किसने किया था बच्चों? बोवरी ने किया था। कब किया था? 1888 में। कब? 1888 में बोवरी ने सेंट्रोसोम की
आविष्कार की थी, खोज की थी, ठीक है, किस क्या की थी, खोज की थी, ना कि आविष्कार। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के सेशन में आपको डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा दिख रहे हैं। और आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और कब किया गया था ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था, सबसे पहले राइबोसोम को जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में किसने देखा था, किस साइंटिस्ट ने देखा था? तो ऑप्शन क्या है, अरस्तु ने, गॉल्गी बॉडी ने, या फिर जे ई प्लेड ने, या फिर रॉबर्ट ने? जल्दी से बताओ किसने देखा था और कब देखा था ये भी बताना, और वो कैसे साइंटिस्ट थे ये भी बता सकते हो। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जे ई प्लेड ने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था, कहाँ देखा था, एनिमल सेल में, किसकी मदद से देखा था। तो इन्होंने किस चीज़ का यूज किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। और इन्होंने क्या देखा था, राइबोसोम को देखा था सबसे पहले एनिमल सेल में, ठीक है। तो बच्चों कब देखा था, 1950 में, कब देखा था इन्होंने, 1950 में इन्होंने देखा था राइबोसोम को, ठीक है। तो इतना चीज़ याद हो गया कि कैसे देखा था, कब देखा था और किसने देखा था। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, आप लोग भी रीड करो साथ में। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है, सॉरी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा यहाँ, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस लिखा जाता है, ट्रैफिक पुलिस लिखा जाता है, ठीक है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, किस ऑर्गेनल को ये उपाधि दिया गया मैनेजर ऑफ ट्रैफिक पुलिस का। चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, आप सभी को पता है क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ, इसका मैंने डिस्कशन किया था, कमेंट बॉक्स में लिखो, ओके। गॉल्गी बॉडीज को क्या बोला जाता है, मैंने कुछ देर पहले बताया था इसका वर्क फंक्शन क्या होता है। तारकाय यानी तारकाय को क्या बोलते हैं, या तारकाय का फंक्शन क्या होता है, ये पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था अभी सेंट्रोसोम के बारे में कि किसने आविष्कार किया था और कब किया था। तो जल्दी से बता दो कि ये मैनेजर ऑफ ट्रैफिक पुलिस किस ऑर्गेनल को बोला जाता है, क्या गॉल्गी बॉडीज़ को बोला जाता है। अगर आप लोग का आंसर गॉल्गी बॉडीज़ है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट आंसर इज़ गॉल्गी बॉडीज़। गॉल्गी बॉडीज़ को क्या बोला जाता है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला जाता है ये भी बता दो अगर पता है तो। ये बनता कहाँ है ये बता दो आप लोग, कमेंट बॉक्स में ये लिख दो कि गॉल्गी बॉडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्मित कहाँ होता है गॉल्गी बॉडीज़। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, जिसको उसको आ रहा होगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनता है, कहाँ बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में निर्मित होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना उसका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस की उपाधि दी गई है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आई होप इसमें अब ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखो, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी, जल्दी से बता दो कि किसने खोज की थी और कब की थी ये भी लिखना। अगर किसी बच्चे को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दो कि किसने की थी और कब की थी, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक, या फिर के आर पॉटर, या फिर जे सी बोस, या फिर जे ई प्लेड, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा के आर पॉटर ने किया था। किसने किया था, के आर पॉटर ने किया था इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का खोज, ठीक है, किसने किया था, के आर पॉटर ने, और कब किया था, 1953 में किया था, कब किया था, 1953 में किया था, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, वो भी खोज से ही है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। चलो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, आप लोग जानते हो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की नाम
बोला है, और इसे क्या बोल रहा है, ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस भी बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाला, मतलब ऊर्जा ग्रह तो इसे कहा जाता है, सबसे पहले इसे ऊर्जा ग्रह ही कहा गया था, ठीक है। उसके बाद इसका एक और अलग नाम दिया गया, उसके बाद फिर जाकर इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम, ठीक है। तो अगर बात करें ऊर्जा ग्रह की, अगर बात करें हम ऊर्जा ग्रह की, तो ऊर्जा ग्रह किसे किसने दिया था, ये जो नाम ऊर्जा ग्रह है ना, अगर पूछता है कि ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को किसने कहा था, तो उस समय उस साइंटिस्ट का नाम लेते हैं एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। किसने, कॉलिकर ने बोला था इसे ऊर्जा ग्रह, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, जल्दी से इसका आंसर करो। चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। कॉलिकर, यहाँ कॉलिकर की बात किया, यानी एल्बर्ट, इसका पूरा नाम क्या, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। रॉबर्ट का भी नाम दे दिया है, सी बेंडा का भी नाम दिया है, और अल्टमैन का भी नाम दिया है। तो देखो मैंने बोला है ना कि सबसे पहले क्या बोला गया था, इसे ऊर्जा ग्रह बोला गया था, तो वो किसने दिया था, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, ठीक है। उसके बाद एक और नाम से बोला गया इसे, उसके बाद एक और नाम दिया गया था जिसको अल्टमैन ने दिया था, ठीक है। वो नाम मिस माइंड हो रहा है थोड़ा कि कोई नहीं, उसके बाद उस नाम के बाद अल्टमैन ने जो नाम दिया था, उस नाम के बाद इस ऊर्जा ग्रह को क्या बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सी बेंडा, यानी सी मतलब क्या होगा यहाँ, कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा, कार्ल बी एन डी ए, कार्ल बेंडा होगा, ठीक है बच्चों, बी ई एन डी ए, ओके। तो आपको पता चल गया कि कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया बोला था, अल्बर्ट वॉन कॉलकर ने ऊर्जा ग्रह कहा था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है। ये सबको पता होगा कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है। ये रोटेट हो जा रहा था। अब चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि समसूत्री विभाजन होता क्या है, समसूत्री विभाजन होता क्या है, ठीक है। जिसको जिसको आ रहा होगा उसकी टाइपिंग फास्ट होगी, मुझे पता है सबकी टाइपिंग फास्ट होगी और वो लिख भी दिया होगा। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं हम समसूत्री विभाजन की। तो ये क्या होता है, एक न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, डिवीज़न होता है, ओके। ये पाया होता कहाँ है, तो यूकैरियोटिक सेल में, ओके। ये क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो होता है वो टू डॉटर सेल में, सपोज ये पेरेंट सेल है, ये टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में क्या होता है, टूटता है, ठीक है, डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ओके। टू और ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, कि इसी को क्या बोलते हैं हम, समसूत्री विभाजन कहते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। अब वर्क बता दो इसका क्या होता है। तो ये इसका वर्क क्या होता है समसूत्री विभाजन का, ये ग्रोथ करता है। क्या करता है, सेल में ग्रोथ करेगा। जब डिवीजन कर रहा है तो एक सेल से दो सेल बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपका ग्रोथ कर रहा है। ये रिपेयर का काम भी करता है, अगर किसी सेल का थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, टू ब्रेक होने लगा है, तो उसको रिपेयर भी कर देता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़, कोई चीज़ होता है आपके घर में जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग से सही हो सकता है, तो आप उसको क्या प्रीफर करते हो कि इसे रिपेयर करवा दिया जाए, ओके। तो वो सेल में अगर थोड़ा बहुत डैमेज रहता है तो वो क्या कर देता है, रिपेयर भी करता है, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट भी करता है, अगर सेल मर गया, डेड सेल हो गया, तो उसकी जगह एक नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या, नया सेल का फॉर्मेशन भी कर देता है, नया सेल बना देता है। और ये एक और बात है जो मैं आपको बता दूँ कि एक सेंटेंस है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन, ये किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो टी श्वान ने दिया था, ठीक है। और प्री एग्जिस्टिंग सेल जो था, मतलब पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन, ये रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, टी श्वान ने नहीं, ठीक है। किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, रुडोल्फ वर्च्यू, जिसने बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो यही होता है आपका, क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो ये क्या कर रहा है, किस में होता है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो। मैं सब कुछ बता दी हूँ, आंसर करो इसका। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, ईस्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, अमीबा। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रोटोजोआ या फिर कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल। तो किस में होता है, सोमैटिक सेल में। किस में होता है बच्चों, सोमैटिक सेल में, कायिक कोशिका,
कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, एकदम सिंपल सा है, सेल से क्वेश्चंस इजी इजी आते हैं वैसे। चलो पढ़ो और फिर इसका आंसर करो। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? गाइस, कोशिका का रसोई घर यानी किचन हाउस किसे को बोला, किस सेल को बोला जाता है? तो चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, लाइकोप्लास्ट, या फिर सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट, या फिर रिक्तिका यानी वैक्यूल, या फिर क्लोरोप्लास्ट, किसको बोला जाता है? रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, सेल का किचन हाउस किसको बोला जाता है? तो आप सभी को पता होगा किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। तो द राइट आंसर इज डी। आई होप 100% बच्चे ने इसका आंसर किया होगा। और क्यों किया जाता है, चलो ये भी कमेंट में लिखोगे आप लोग कि क्यों किया जाता है, रीज़न बताओ। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, और इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प क्या करता है बच्चों? तो ये खाना बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, खाना बनाने में, मतलब प्रिपेयर ओन फूड, प्लांट को अपना भोजन बनाने में क्लोरोफिल हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, कोशिका का रसोई घर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चलो रीड करो, क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, किसने किया था? चलो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, नल तथा रस्का ने, या फिर सेकंड क्या है, स्लाइडन एंड स्वान ने, थर्ड क्या है, फ्लेमिंग एंड ब्राउन ने, या फिर वाटसन और क्रिक ने। जल्दी से बता दो कि किसने आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था यानी खोज किया था, डिस्कवर किया था। ओके, आंसर करो कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नल एंड रस्का ने, किसने, नल एंड रस्का ने क्या किया था आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। ये कैसे साइंटिस्ट थे बच्चों? तो ये जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। कहाँ के थे, ये जर्मन के थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत सिंपल है, इसका आंसर करो, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शंस की तरह बढ़ो, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। यहाँ क्या बोल रहा है कि हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग कौन सा प्रदान करता है जल्दी से बता दो, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपके प्लांट को, हरा रंग प्रदान करता है। क्या होता है, हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, तो ये भी आप एक तरह से याद करो कि ये कैसा पिगमेंट देता है, तो ये ज़्यादातर येल्लो रेड और ऑरेंज कलर देता है। क्या, ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, प्लांट्स को। अब ये तो फिर ये लीफ में तो होता नहीं, ये कहाँ होता है, ये लीफ के एजेस पे पाए जाएंगे। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, एजेस मतलब किनारे पे। ठीक है, ताकि देखते हो बहुत ऐसे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जिसका लीफ का कलर अलग अलग होता है, जैसे येलोइस टाइप होता है। ठीक है, कुछ का अलग रेडिस टाइप होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये फ्रूट में भी प्रेजेंट होते हैं, आपके फ्रूट का कलर डिफरेंट होता है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ये रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और कहाँ होते हैं, रूट्स में भी होते हैं, रूट्स के भी कलर में डिफरेंस आता है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसकी नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो नंबरिंग पे आप लोग ध्यान मत देना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ओके, तो चलो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ नंबरिंग पे फोकस मत करना। ओके, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से किस प्रकार भिन्न होती है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से पूछ रहा है आपसे कि कौन ऐसा है जो कि प्लांट में पाया जाता है तो एनिमल में नहीं।
ठीक है, या फिर एनिमल में पाया जाता है तो प्लांट में नहीं। तो चलो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्लांट या फिर एनिमल में ही पाया जाता है, दोनों में से किसी एक में पाया जाता है? तो बच्चों नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति की। तो सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो एनिमल में उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? तो एनिमल में सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, तो ये क्या है और आगे भी देख लेते हैं। तो ये एक ऑप्शन मिल गया जो कि बता रहा है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। ठीक है, जीव द्रव्य की उपस्थिति, ये दोनों में होता है, कोशिका केंद्रिका सेल न्यूक्लियस दोनों में होता है। ठीक है, किसी में छोटा होता है किसी में बड़ा होता है। चलो ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से थोड़ा सा डिफरेंट, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसे थोड़ा सा भिन्न क्वेश्चन है, बट इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जंतु कोशिका में से निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि एनिमल सेल में इन चारों में से कौन अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो पहला ही है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज पहला ही जो है वो क्या बोल रहा है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन नीचे भी देख लेते हैं, एक ऑप्शन को देखकर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ यही होगा। ठीक है, कहीं फोर्थ ऑप्शन में और भी कुछ दे दिया जाए। सेकंड क्या है, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बच्चों दोनों में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या बोल दिया आपका, इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, जो कि सेल वॉल ऑफ सेलुलोज जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ओके गाइस, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चलो पढ़ते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, इसमें इन चारों में से कौन है जो कि प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। तो जल्दी से बता दो कि बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, तो वो दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस को एंड करती हूँ, आज के सेशन को हम एंड करते हैं। अगर सेल से कोई टॉपिक या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो छूट गया है वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको लगता है कि इससे भी लेवल आपका हाई होना चाहिए तो भी आप लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन से भी हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाए, देन मैं उसको भी डिस्कस करूँगी और इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आज मैं डिस्कवरी से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हर एक साल हमने देखा है कि कहीं ना कहीं डिस्कवरी से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ओके, इसलिए डिस्कवरी से क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। अगर इससे अलग क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, देन यू आस्क। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।